गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज छठ पूजा का नहाया खाया मेरा सारा लौकी चावल दाल। चलिए दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ और कैसे बन रहा है और क्या प्रिपरेशन चल रहा है नहाया खाया का। सो गाइस देखिए यहाँ पे दाल धुला जा रहा है क्योंकि लौकी चावल और दाल ही तो बनता है। तो ये दाल को धुल कर अच्छे से और फिर इसको मैं डालूँगी कुकर में। कुकर में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी नमक यही सब जो अलग से जाता है, डेली यूज़ वाला नहीं रहता, ये सब अलग से आता है इसके लिए। और ये सेंधा नमक है कि नॉर्मल नमक में नहीं बनता है, आज का प्रसाद सेंधा नमक में बनता है। और फिर मैं इसको बंद करके अपना सीटी लगाने के लिए तैयार कर दूँगी। सो गाइस देखिए यहाँ पर लौकी कटा जा रहा है क्योंकि अब लौकी का ही तो प्रसाद बनता है, लौकी चावल और फिर लौकी का सब्जी भी बनेगा और थोड़ा सा दाल में भी जाता है, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा है लौकी का और उसका थोड़ा सा पकौड़ी भी बनेगा। तो देखिए और आगे मैं क्या क्या बना रही हूँ। छठ पूजा के शुभ अवसर पे 4-5 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है और अब बारी है लौकी की सब्जी बनने की। देखिए कितने शिद्दत से बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें प्यार छुपा है। इधर प्रिपरेशन हो रहा है तब तक इधर मामी जो है सब पे फोन लगा रही हैं सबको निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि यही एक प्रसाद है जो सब खाने के लिए मना नहीं करता है। देखिए इस बेचारी जान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ सबको क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। और इसके बाद इसमें पकौड़ी भी बहुत जरूरी रहता है, तो इसमें पकौड़ी बनाने के लिए देखिए प्रिपरेशन चल रहा है। ये बेसन का घोल तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे ये चना गोभी आलू लौकी इसके पकौड़े बनाए जाएंगे जो कि मस्ट होता है छठ पूजा में। तो बताइए आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है पकौड़ी बनाते बनाते? 5 साल का तो होगा ही। 5 साल का? और आपको? मेरा भी 10 साल का, मैं बना ही रही हूँ। पकौड़ी बन रहा है और अब मम्मी लोग नहाने जाएंगी, इसके बाद खाना खाएंगे। तो मौका आ चुका है आर्टिफिशियल तालाब बनाने का, मतलब एक तरह से कहा जाए उसी में छठ पूजा होगा और इसी में अभी नहा खा के विध भी किया जाएगा। तो चलिए इसके लिए प्रिपरेशन में मैं ले आया था एक टब और ये पाइप और ये उस टब में टब के अंदर कंकर से वो फट न जाए इसके लिए इसके नीचे तिरपाल बिछाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगाओ लगाओ, हाँ नीचे इसको करो, पत्थर कंकर पत्थर नहीं आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इस तरह से इसमें पानी डालते जाइए अपने आप सीधा हो जाएगा, बस रख दो। पानी का पाइप लगाओ इसमें, ले आओ सीधा करके पाइप। पानी ही नहीं गिर रहा है, इसको कहते हैं पोपट। तो यह टंकी में पानी कम होने के कारण का चल नहीं पाया तो गया है वो मोटर चलाने। ये देखिए मोटर चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 1 घंटा से कम लगेगा भरने में। तो यार इसको सेट करने के लिए शुरू में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहली बार खुला था और इसे 3 आदमी तो पकड़ने के लिए चाहिए थे। अभी थोड़ा इसमें पानी का लेवल हो चुका है तो ये सही हो गया है। यहाँ पर भी 1 या 2 इंच पानी आ चुका है। तो यार वहाँ पर तो काफ़ी देर लगती इसलिए अब मैंने अलग दिमाग लगाया, 2 बाल्टी मंगवाई है और इसको भर रहा हूँ। तो गाइस मैं भी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ पानी निकालने में।
लो ले जाओ। मतलब मेहनत ये लोग कर रहे हैं, बस डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ। ये देखो कितना जल्दी भर गया, ये देखो। तो यार ये बच्चे पापी हैं, बहुत एक्साइटेड हैं नहाने के लिए उसमें, तो इनका भी मौका दिया जाएगा, तब उसके पहले चलिए। सो गाइस यहाँ पे हो चुका है नहाए खाए का प्रिपरेशन, अब सब लोग नहाएंगे इसमें, और उधर सारा सामान रखा हुआ है धुल धाल का। सो गाइस सब यहाँ ब्रश कर रहे हैं धातुन, अब फिर इसमें सब नहाएंगे। अब यहाँ पे नदी पे तो जा नहीं सकती हैं क्योंकि दूर है, और कोरोना भी है तो अब प्रेफर किया जाता है घर पे ही करना। तो ये घर पे स्विमिंग पूल आ चुका है और इसी में होगा। यहाँ पे सब पहले धातुन कर लें, उसके बाद सब नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे तो दिखाएंगे। चलिए सब लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, फिर नहा के यहाँ पर आएंगे। तो गाइस देखिए इन लोग इसमें आ चुके हैं नहाने के लिए, सब लोग पूजा कर रहे हैं। छठी मैया आई हाजर, छठी मैया आई हाजर, उखिया बाजार से ले आईबो, छठी मैया आई है जरूर। जगमग घटिया सजैबो, छठी मैया आई है जरूर। ये पूजा करके आ चुकी हैं सब नहा के, अब इन इनको दिया जाएगा प्रसाद, उसके बाद फिर सारे लोगों में वितरित होगा। सो गाइस यही प्रसाद बना था, तो अब ये लोग ग्रहण करेंगी जो छठ की हुई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।